अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं आमना व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्राइज की कोटिंग करके मैंने रख ली है। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर साथ नमक डालकर इसको मिक्स करके रख लिया है। और यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है तो अब इसमें ऐड करते हैं फ्राइज। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइज। तो ये देखें व्यूअर्स, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। ऑलमोस्ट कुक होने वाली है, फ्राई रेडी होने वाली है। थोड़ी सी और हम फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। ये देखिए ज़बरदस्ती लुक। फ्राइज अब रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब उसको करते हैं, निकालते हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक। आज हम बना रहे हैं मिंट मार्गीटा, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा पुदीना और थोड़ा सा नमक चाहिए, थोड़ा सा काला नमक डलेगा और ये चीनी जितना आपके टेस्ट के मुताबिक हो। मेरे लिए तो इतनी काफ़ी है, 4 टेबल स्पून है ये। थोड़ा सा इसमें डलेगा लेमन मैंने स्क्वीज करके पहले रखा हुआ है बॉटल में, ये मेरे पास है। और ये आइस क्यूब्स इसमें डलेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पुदीना ऐड करेंगे, साथ हम ऐड करेंगे ब्लैक नमक और वाइट नमक। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे लेमन। इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। अब इसको करते हैं अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करते हैं, करेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर, जिसके लिए सारी चीजें मैंने कलेक्ट करके रख ली हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सॉस, जो पहले से मैंने रेडी करके रखी हुई थी, वो ऐड करेंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे सलाद पत्ता, ये। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन पैटी। अब इस पे अगेन थोड़ी सी हम टेस्ट के लिए लगाएंगे सॉस एंड देन टमाटर और प्याज। अब हम लगाएंगे सॉस, अगेन लगाएंगे थोड़ा जूसी जूसी सा टेस्ट आता है सॉस का, तो इसके लिए बन के ऊपर भी हम लगाएंगे सॉस। अब हम इसे असेंबल कर देते हैं। ये देखें जी, चिकन पैटी तैयार हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये मज़ेदार सी सर्विंग तैयार है, आप हम इंजॉय करते हैं। आप भी इफ्तार करें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।